आओ अभिषेक आओ। अभिषेक? हाँ मैं बताना भूल गया था, अभिषेक आने वाला था। आओ बैठो अभिषेक। तुम भी बैठो। नहीं काका, वो मारवा मिल्स की फाइल तैयार करनी है। अच्छा। हाँ अभिषेक, पिछली बार तुम कब हमारी बैंक आए थे मुझे याद नहीं पड़ रहा। आखिरी बार मैं बाबूजी के साथ यहाँ पर आया था। हाँ भाई साहब के बाद तो तुम हमें भूल ही गए। तुम्हारा वो इतवार भी अभी तक नहीं आया जब तुम घर आने वाले थे। खैर छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। बताओ काका जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वराज जिस जगह पर छपता है वो जगह किराए की है, और जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान भी किराए का है। अब ऐसे हालात में गिरवे रखने के लिए मेरे पास मेरी ईमानदारी और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपकी नज़र में इन दो चीज़ों की कोई कीमत है तो उसकी अवेज़ में मुझे कुछ लोन देकर स्वराज को फिर से चालू करने में मेरी मदद करें। एक व्यापारी की नज़र में इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है अभिषेक, लेकिन मैं सिर्फ व्यापारी नहीं, रामदास जी का भाई भी हूं। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, वरना भाई साहब की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। तो क्या कह रहे हैं आप? स्वराज को चालू करने में आप अगर मेरी मदद करेंगे तो आप उनका सपना ही तो पूरा कर रहे हैं ना? अगर स्वराज को चलाना ही रामदास जी का सपना था तो वो सपना तो जरूर पूरा होगा, लेकिन जिन उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर वो स्वराज को चलाना चाहते थे, लोन की रकम लेकर तुम्हें उनसे समझौता करना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्वराज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी अगर स्वराज का अस्तित्व ही नहीं रहा तो हमारे आदर्शों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अभिषेक, मुझे तुम्हारे आदर्शों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ आदर्शों से लोन की रकम तो वापस नहीं की जा सकती। देखो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम अपने स्वराज को आत्मनिर्भर बनाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन लोन देकर नहीं, काम देकर। काका जी, मैं यहां पर लोन मांगने के लिए आया था, काम मांगने के लिए। अगर वो काम तुम्हारी प्रेस में हो तब भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखो, हम अपनी बैंक की रसीदें, बही खाते, चेक बुक्स वगैरह सब तुम्हारी प्रेस में छपवाएंगे और उसके लिए तुम्हें पेशगी रकम देंगे। फिर तुम्हारी सुविधा अनुसार तुम्हारी प्रेस में हमारी छपाई का काम होता रहेगा और धीरे धीरे हम वो रकम वसूल करते रहेंगे। इस तरह से तुम्हारी प्रेस भी चालू हो जाएगी और अखबार। आप बताओ, कोई ऐतराज? जी नहीं काका जी। ठीक है, तो मशीनों की मरम्मत में कितना खर्चा आएगा इसका एस्टिमेट करके मुझे जल्दी से भिजवाओ। जी काका जी।